हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नैरोबी। आज लेकिन मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव कम आउट फॉर माई वेकेशंस टू इंडिया ट्रिप। और बॉम्बे के बाद अब मैं दिल्ली में हूँ। आई एम हियर फॉर अ मंथ। वेल एंड दिस इज़ द रीज़न कि मैं इतना फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। बट आई वॉन्ट शेयर समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टूडे, बिकॉज मनी से कंसर्न शायद मैंने अभी तक बहुत डिटेल में किसी से इतना वीडियोस में शेयर नहीं किया है। और कल ही मैंने एक मेल रिप्लाई करी है, तो मुझे उसी से याद आया कि मनी के बारे में तो मैंने कोई खास बात करी नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को ये शेयर करूँगी, हाउ एग्जैक्टली टू मैनिफेस्ट मनी। मेन सीक्रेट क्या है, या हमें क्या तरीका, किस तरीके से विजुअलाइजेशन करनी है, या कौन सी एफर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी। अभी तक हमें पता चला है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है, जैसा मैं फील कर रही हूँ, राइट। अगर मनी को लेके या जॉब को लेके या बिजनेस को लेके मैं फील किया मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या काम आता आता रुक जा रहा है, तो हम ये फील करी जा रहे हैं, बिकॉज हम ऑटो पायलट मोड पर सोच रहे हैं। अंदर हमारी स्टोरी अंदर चलती जा रही है, हम उसको रोकते नहीं हैं और हम उसके लिए सेल्फ टॉक नहीं कर रहे हैं, राइट। सो फॉर मनी मैनिफेस्टेशन आई वुड प्रेफर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है हमारा व्यू पॉइंट पैसा कमाने को लेके, वो ये, सिंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए मुझे ये नहीं बोलना कि मेरे पास लाखों रुपए हैं और मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि दिल बोलेगा 10 रुपये भी तेरे पास नहीं होते, या तेरी 10,000 की तो नौकरी है, तो ऐसे कैसे इतना इंजॉय कर रही है ना। सो हमें कॉन्ट्रोडिक्टरी थॉट्स या इमोशंस नहीं आने देने, उसके लिए हमें वो बात करनी है जिसमें हमारा दिल भी और दिमाग दोनों हाँ करे, ठीक है, दोनों साथ दें। सो इन दैट केस आई वुड ऑलवेज से, अगर एफर्मेशंस क्रिएट करनी है तो ऑलवेज बोलो आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग दिस मच अमाउंट। जिनको एफर्मेशन सूट करती हैं या एफर्मेशन करना में मज़ा आता है, दे विल डू लाइक दिस कि आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ अर्निंग डैश अमाउंट एवरी मंथ, और आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ इंजॉइंग माई अर्नड मनी, आई एम इन अ प्रोसेस, और आई एम इन अ प्रोसेस टू बाय माई iPhone 13 विद माई न्यू इनकम। सो प्रोसेस वर्ड जब ऐड हो जाएगा एफर्मेशन में, तो उससे आपका दिल कभी आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, वो भी साथ देगा, बिकॉज दिल नोज अच्छा अच्छा अभी नहीं है, बट शी इज़ इन अ प्रोसेस टू रिसीविंग, दैट मीन आने वाला है। सो आने वाला इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग कि हाँ पैसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है। सेकेंड थिंग ये हो गया एफर्मेशन से कंसर्न, अब आ जाओ विजुअलाइजेशन से कंसर्न। ऑलवेज ऑलवेज विजुअलाइज और ऑलवेज फील फॉर द एंड रिजल्ट कि मेरे पास 2 लाख रुपए महीने के आएंगे तो मैं क्या करने वाली हूँ। तो अब मेरे दिल को ये पता है कि ये तो इमेजिन कर रही है कि जब 2 लाख रुपए आएंगे ना, तो मैं हर महीने सो एंड सो पार्लर में इतना खर्च करूँगी, मैं अपने नेल्स बनाऊँगी, मैं अपने क्या नाम है, मुझे अपने लिए एक ड्राइवर रखना है अपने कंफर्ट के लिए, या मैं, अरे वाह, मैं अपनी गाड़ी नहीं खरीदती हूँ, उसकी EMIs दे पाऊँगी। सो ये जो मैं बोल रही हूँ, जो अभी मैं कर रही हूँ, दिस इज़ बेसिकली सेल्फ टॉक, क्योंकि मी एज अ पर्सनैलिटी प्रिया, मुझे विजुअलाइजेशन में मैं कनेक्ट नहीं हो पाती, मेरे से ख्याली पुलाव नहीं पकते, मेरा मोर ऑफ द टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल माइंड है, तो मैं ख्याली पुलाव नहीं पका पाती। सो वॉट आई डू इज आई सेल्फ टॉक, यार 2 लाख रुपये, इसे कहते हैं बैठे बैठे ख्याली पुलाव, मैं बोलती हूँ लाउडली, यार अगर 2 लाख महीने के आएंगे तो क्या करूँगी, हर मंथ की फर्स्ट को ना मेरे पास 2 लाख रुपये आ रहे हैं, अब वो अकाउंट में आ रहे हैं, वो कोई दे के जा रहा है, नन ऑफ माई बिजनेस, इट इज़ यूनिवर्स बिजनेस, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, अब मैं क्या करने वाली हूँगी। तो 2 लाख की गड्डी मेरे पास आ गई, और अब मैं, यार सबसे पहले तो मैं ना पूरे मंथ के लिए अपना ड्राइवर हायर करती हूँ, या मुझे ना वो महंगा वाला ट्राईपॉड स्टैंड खरीदना है, और या मुझे ना इस बार मैंने गोल्ड की बैंगल भी खरीदनी है। यू नो यू हैव योर थिंग्स रेडी, सो योर लिस्ट ऑफ थिंग्स शुड बी रेडी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। सो बेसिकली व्हेन आई एम थिंकिंग, जो लोग विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दे आर इंजॉइंग, दे आर सीइंग देम सेल्स इन देयर माइंड कि मैं तनिष्क में गई हूँ और मैंने ये ब्रांड का सामान खरीद लिया, या मैं मॉल में गई हूँ तो मैंने सेल का वेट नहीं किया, इस बार मैंने टैग भी नहीं देखा, सेल का वेट भी नहीं किया, मैंने कहा ये पैक कर दो, ये पैक कर दो, ये पैक कर दो। सो आप ये क्या कर रहे हो, आप ये अपने फ्यूचर रिच वाली प्रिया को इमेजिन कर रहे हो कि वो क्या क्या करने वाली है, वो इंजॉय करने वाली है, वो रेस्टोरेंट में जाएगी तो सोचेगी नहीं कि कितना बिल आया है, फ्रेंड्स का बिल भी पे कर दूंगी, मैं तो ये भी कर दूंगी, मैं तो अपने बेटे के लिए कार खरीदनी है 20,000 की, मैं वो इलेक्ट्रॉनिक कार लेके आऊँगी। सो यू, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बेसिकली डूइंग
you're basically reliving the things you wanted to have और आपने अभी उसको hold कर रखा है for some reason, maybe you don't have money right now. So instead of thinking I don't have money right now and I'm not able to afford it, do the vice versa कि जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं इस शोरूम में जाने वाली हूँ, मैं वो वाली वॉच लेने वाली हूँ और मैं ना मेरे बैग में हमेशा 25-30 हज़ार पे रहते हैं, सो आई फील सो कॉन्फिडेंट. तो कहीं गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी तो आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई कैन आई हायर अ कैब एंड गो. ये सब चीज़ें. सो आप क्या कर रहे हो, आप रिच वाली प्रिया को फील कर रहे हो, आप रिच वाली प्रिया के कॉन्फिडेंस को फील कर रहे हो, आप रिच वाली प्रिया की सिक्योरिटी को फील कर रहे हो, आप रिच वाले प्रिया की हैप्पीनेस और लाइटनेस और फ्रीडम को फील कर रहे हो. और लॉ क्या कहता है, आपकी फीलिंग्स को मैं रिस्पॉन्ड करूँगा. यू आर फीलिंग गुड एंड अबंडेंट, आई विल गिव यू मोर. यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई विल गिव यू मोर. यू आर फीलिंग फिनेंशियली फ्री, आई विल गिव यू मोर. ये सिम बहुत 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 सिंपल है, इसे घुमा फिरा के मत समझो. आसान चीज़ें हैं. मेरी फीलिंग्स को यूनिवर्स रिस्पॉन्ड कर रहा है. ये तो हो गया, जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं कर रही हूँ. नहीं मन मानता, नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो, कोई बात नहीं. जो चीज़ें आपके पास अभी हैं, आपके पास घर है, छत है, जो भी चीज़ें हैं, खाना खा रहे हो, कपड़े तो पहन रहे हो ना, चाहे वो छोटे ब्रांड के हैं या ब्रांड के नहीं है, लोकल है, इट इज़ ओके. पैसे से ही खरीद पाए हो ना आप उसको, तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी विच हैज़ गिवन यू ऑल दीज थिंग्स विच यू आर डूइंग राइट नाउ. आपके पास फ़ोन है, उसी पैसे से आपने खरीदा है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी. सो ग्रेटफुलनेस, प्रेजेंट चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहना, फ्यूचर चीज़ों को फील करना कि वाह 2 लाख महीने वाली प्रिया कैसे होने वाली है, उसे इंजॉय करना, उसके लिए ग्रेटफुल रहना, उस शॉपिंग को, उस कॉन्फिडेंस को इंजॉय करना, फील करना. दीज आर द थिंग्स वी आर डूइंग. मैं इनको टेक्निक्स नहीं बोलती हूँ, टेक्निक्स बेसिकली किस लिए बनाई गई हैं, ताकि हम लोगों को जो डेली लाइफ में आदत नहीं है ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में सोचने की, हमारे पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, तो हम बेसिकली अपने उस 24 घंटे के ऑटो पायलट मोड से हट के कुछ देर के लिए एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी के रूप में कर रहे हैं, हम उसको टेक्निक्स बोल देते हैं. ठीक है, अब आ जाओ मनी से कंसर्न. सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है, नेवर से मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मुझे ये वाला काम करना है, ये सब पे फोकस मत करो. क्या है आपका मेन एम, जो भी जॉब और जो भी बिजनेस आप करने की सोच रहे हो, आपका एम क्या है? आपका एम है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी और लॉट ऑफ मनी और बहुत सारा पैसा चाहिए. अब बहुत सारा की डेफिनेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, जो रिक्शे वाला भैया है उसके जो एक दिन का 150 रुपया कमा रहा है उसके लिए 10 हज़ार महीना बहुत सारा है. ठीक है, जो ऑलरेडी 50 हज़ार कमा रहा है उसके लिए 2 लाख बहुत सारा है. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट अमाउंट यू वॉन्ट. कोशिश करके शुरू में वो अमाउंट रखो, मंथली या डेली, वॉट एवर यू कनेक्ट टू, जिसमें आपका दिल और दिमाग दोनों आपको हाँ करे कि हाँ भाई इतना तो तू डिजर्व करती है, या इतना तो कर सकती है, या इतना तो तू कमा सकती है, यार 50 तो तू कमा ही रही है, तो 150 तो तेरे को आराम से मिलना चाहिए. दैट वेज, क्योंकि आपका दिल साथ गवाही देना चाहिए. अगर ये बोल रहा है कर ले, 5 लाख मांग ले, ये बोल रहा है तू 6 साल से 10 हज़ार रुपये अटकी हुई थी, सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, तो कुछ कमा तो पा नहीं रही है, तो तू 5 लाख कैसे ले आएगी, तो डाउट आ गया, क्वेश्चंस आ गए. तो जो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट होने लगी थी, आपने बाहर डिमांड डाली थी कि यूनिवर्स ये दे दो, उसने कहा देखो डाउट आ गया है, तो ले तू और डाउट्स ले ले, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगी. सो ट्राई एंड थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट, जस्ट टू टेस्ट, आई कैन से जस्ट टू टेस्ट एंड सी. उसके बाद आ जाओ जॉब ही चाहिए, यही नौकरी चाहिए, फॉरगेट इट, बिकॉज यू डोंट नो आप किस चीज़ के लिए बने हो. अगर हम एफर्मेशंस में ये बोलते हैं आई एम अर्निंग एफर्टलेस मनी, मेरे पास पैसा ऐसे ही आ रहा है, फ्री फ्लो में आ रहा है, एफर्टलेसली आ रहा है, बिना काम किए आ रहा है. जैसे मैं बोलती हूँ, मैं बचपन से बोलती थी, सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि बस मैं बैठी हूँ और पैसा आ रहा है. तो उस थॉट को मैं अब समझ पाई हूँ अपनी लाइफ में आके कि एफर्टलेस मनी का एग्जैक्ट मतलब क्या है. एफर्टलेस मनी का मतलब ये नहीं कि मैं बैठी हूँ और आ गया. एफर्टलेस मनी का मतलब ये है कि मैं वो काम कर रही हूँ जिसके लिए मैं पैशनेट हूँ, वो मेरी हॉबी है, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ और उसके लोग मुझे पैसे देके जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर थी बिफोर मैरिज, तो डिज़ाइनिंग नॉट इन द फॉर्म ऑफ एस्थेटिक्स बट इन द फॉर्म ऑफ स्पेस प्लानिंग वॉज अ गॉड गिफ्ट टू मी. स्पेस प्लानिंग मुझे गॉड गिफ्ट है. सो व्हेन आई
दैट वर्क आई यूज टू डू, आई वॉज सो पैशनेट अबाउट इट कि मैं पूरा दिन साइट पे होने के बाद भी रात को आके फ्रेश होके ड्राइंग्स बनाती थी। मुझे उसके लिए प्रेशर लगता था कि मैं रात भर जाग रही हूँ, प्रेशर हो रहा है, सुबह नींद नहीं पूरी हो रही है, एंड आई यू नो आई फिनिश माई वर्क। मैं प्रेशर में काम नहीं करती थी, इट वॉज माई पैशन, आई यूज टू लव डिज़ाइनिंग दोज थिंग्स। सो द मनी विच केम फ्रॉम दैट वर्क आई नाउ कॉल इट अन एफर्टलेस मनी, बिकॉज एफर्टलेस मनी आपको डिज़ाइनर्स को मोटा चंक अमाउंट मिलता है एज अ वर्क प्रोजेक्ट एंड देन द वर्क यू आर लविंग टू डू। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि मुझे इस यही जॉब चाहिए, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, फलाने ब्रांड में चाहिए, यू डोंट नो कि एफर्टलेस मनी, यू डोंट नो आप किस चीज़ के लिए बने हो, आपका पैशन क्या है। कई बार हमें बिल्कुल पता नहीं होता हम कौन सी डायरेक्शन में जाएं, मैं ये भी करना चाहती हूँ, मैं वो भी करना चाहती हूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है यार, लेकिन हमें पता नहीं है मुझे वो बड़ा क्या करना है, राइट। सो इन दैट केस यूनिवर्स एंड गॉड नोज अस बेटर देन अस, दे नो अस बेटर देन अस कि हम किस चीज़ के लिए अच्छे हैं। सो इन दैट केस आई ऑलवेज टेल डोंट राइट एफर्मेशन और डोंट विजुअलाइज अ कंपनी और अ जॉब, ऑलवेज विजुअलाइज दिस अमाउंट इज कमिंग टू मी एवरी डे एंड आई एम एंजॉइंग इट। और मैं इन्जॉय कर रही हूँ उसका मतलब क्या है, मैं उस इन्जॉयमेंट में वो काम कर रही हूँ जो मैं इन्जॉय कर रही हूँ, मैं इन्जॉय कर रही हूँ इसलिए मुझे उसके पैसे मिल रहे हैं, सो इट्स एन एफर्टलेस मनी। सेकेंडली वो पैसे कहाँ से आएंगे, कौन देगा, कौन सी कंपनी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मेरा कोई सर्कल नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से मेरे पैसे, कौन मुझे ऑफर देगा, दैट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस टू अंडरस्टैंड और क्वेश्चन, इट इज़ यूनिवर्स इज हेडेक। अपनी ड्यूटी ये करो, फील गुड फील गुड फील गुड। अब वो किसी को विजुअलाइज करके फील गुड करना आता है, किसी को एफर्मेशंस के थ्रू फील गुड करना आता है, किसी को ग्रेटफुल के थ्रू फील गुड करना आता है, किसी को अप्रिसिएशन से फील गुड करना आता है, किसी को गाने गाने से आता है, किसी को डांस करने से आता है, इट कैन बी एनी थिंग। मेन मुद्दा इज फील गुड। अब जब मनी के बारे में बात कर रहे हैं तो फील गुड अबाउट मनी, दो तरीके से फील गुड हो सकता है, जो चीज़ें मेरे पास है वो पैसे से आई हैं, सो आई हैव टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड आई शुड एन्जॉय यूजिंग दोज थिंग्स एंड एवरी टाइम आई यूज वॉट एवर थिंग आई हैव इन माई लाइफ, यूज देम एंड बी ग्रेटफुल फॉर देम। अ कुशन बी ग्रेटफुल, अ पिलो बी ग्रेटफुल, अ फोन बी ग्रेटफुल, अ रिंग बी ग्रेटफुल, अ चश्मा बी ग्रेटफुल, ब्रश बी ग्रेटफुल, मेकअप का सामान बी ग्रेटफुल, फाइन। तो वो हो गया। और सेकंड थिंग, फ्यूचर वाली प्रिया, अमीर वाली प्रिया क्या करने वाली है, कैसे चीज़ें बनाएगी, कैसे खरीदेगी, कैसे हैप्पीनेस फील करेगी, कैसे कॉन्फिडेंट फील करेगी, ये सेकंड तरीका हो गया फील गुड करने का। फोकस होना चाहिए ये अमाउंट, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया, बाद में मिलियंस भी आएंगे, बिलियंस भी आएंगे, अभी के लिए आपका ये अमाउंट है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ रही है। दिस इज द वे आई थिंक लॉ वर्क्स एंड दिस इज द वे It is a most easier way, बजाय हम इसको इतना complicated बना दें, पेचीदा बना दें कि भाई ये technique से कुछ पैसा आ जाएगा, ये करेंगे तो आ जाएगा। अरे सिर्फ बोलते रहने से, सिर्फ technique करने से, सिर्फ affirmation से नहीं आएगा, you have to work out on your thought process। आपको actually में daily life में appreciative और grateful रहना पड़ेगा। टेक्निक से चीज़ मिलेगी, अपने फोकस कुछ टाइम के लिए एक टेक्निक कर ली उसको मिल गया, फाइन, आप रिसीव कर लिया अपनी वो चीज़। आपको उस वाइब्रेशन में अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। अंडरस्टैंड दिस और अपनी मनीज को लेके अब बैठ के तसल्ली से लिखो कि आपके क्या बचपन से लेके आज तक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रहे हैं कि हम गरीब पैदा हुए थे, गरीब मरने वाले हैं, बहुत मेहनत करने के बाद ही पैसा मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है, वो चीज़ों को लिखो, उसका ऑपोजिट लिखो कि नो, मनी इज जस्ट एन एनर्जी, आई लव मनी, आज तक मुझे कंफर्ट मनी से ही मिला है, आज तक हर चीज़ पैसे से ही तो मुझे मिली है, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव। जितना अपने प्रेजेंट चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दोगे, बिकॉज वो चाहे वो 5 रुपये की एक टॉफ़ी क्यों ना हो, वो 5 रुपये आपके पास थे तभी आप टॉफ़ी ले पाए हो, सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट 5 रुपीज़। जब कुछ नहीं होता ना हमारे पास, हम बैंक्रप्ट हो जाते हैं, तब 10 रुपये की भी वैल्यू होती है, तब हम गरीब लोग 10 रुपये का भी वॉशिंग पाउडर का पाउच लेके आते हैं कपड़े धोने के लिए। अंडरस्टैंड द फीलिंग, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट, सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी स्मॉल लिटिल थिंग यू हैव इन योर लाइफ।
दिस इज़ हाउ मनी मनी इज जस्ट एन एनर्जी, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद हिम. जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी 91.1 पर FM आता है या जो भी FM आता है, सो 91.0 करोगे तो वो नहीं कैच करेगा, 91.1 करोगे तो ही वो फ्रीक्वेंसी कैच करेगी. दैट्स द थिंग. ग्रेटफुल रहना और हैप्पी रहना और अप्रिशिएटिव रहना, गुड फीलिंग्स में अपने आप को हर चीज़ का जिम्मेदार समझना, अपने लिए हाँ, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों की लाइफ के वो जिम्मेदार हैं. आपकी लाइफ की हर स्टोरी के लिए, आपकी लाइफ के हर इवेंट, हैप्पीनेस, दुख सुख, पैसा नॉट पैसा, हेल्थ नो हेल्थ, वॉट एवर यू आर रिस्पॉन्सिबल, हैव दैट गट फील कि जो मैं फील कर रही हूँ वही मुझे मिलने वाला है. आई हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ एंड फटाफट चेंज करूँ. सो दिस इज हाउ मनी कैन ऑल्सो बी टैप्ड इन. मैंने स्पेशली इसलिए कभी मनी का नहीं बनाया बिकॉज मेरा माई थॉट प्रोसेस वर्क्स ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्क्स ऑन फीलिंग. जब मैं हर वक्त अबंडेंट और ग्रेटफुल फील कर रही हूँ तो मनी तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी. तो मैंने स्पेशल कुछ नहीं बनाया बट नाउ आई थिंक आई शुड डू इट बिकॉज सो मेनी क्वेश्चंस आर पोरिंग इन कि जॉब ये चाहिए, जॉब ये चाहिए. अरे छोड़ दो जॉब, सी ए बनना है, यही बनना है, छोड़ दो. चार अटेम्प्ट कर लिए हैं, लीव दैट. आप कहीं कुछ ब्लॉक कर रहे हो, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो. समथिंग गुड मे बी इज देयर. डोंट स्टॉप द फ्लो ऑफ द लाइफ. नदी बह रही है, उसके साथ फ्लो में बहते जाओ, चीज़ें एक्सेप्ट करते जाओ, ग्रेटफुल होते जाओ, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे. सीरियसली बोल रही हूँ, जस्ट ट्राई करो इसको रिलीजियसली एक बार. ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, आई लव यू ऑल. आई थिंक 25th ऑफ डिसम्बर के बाद से आई विल बी रेगुलर ऑन माई वीडियोज, बट अभी भी करती रहूँगी. सो जस्ट इन्जॉय योर सेल्फ, बी ग्रेटफुल, पॉजिटिव एंड हैप्पी ऑलवेज. ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय.